नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपको पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमने ये पालक को अच्छी तरीके से धुल के काट के बॉईल कर लिए। दो मीडियम साइज के टमाटर के पेस्ट बना लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और दो मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट बना लिए हैं और ये हमने पनीर लिए हैं। पालक को बॉईल करने के बाद उसको ग्राइंड कर लिए हैं अच्छी तरीके से। मसालों में हमने धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। यहाँ हम पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। पनीर को फ्राई करना ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ये ऑप्शनल है। ज़्यादातर डिशेस पनीर के बिना फ्राई किए ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चों को फ्राई किए हुए पनीर ज़्यादा पसंद है, तो हम यहाँ इस तरह से इसको फ्राई करके बनाते हैं। ये हमारी पनीर फ्राई हो गई है, अच्छी लग रही है देखने में। तो अब हम पालक पनीर की ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम पहले तड़का लगाते हैं। तो यहाँ तेल में हमने तेजपत्ता, जीरा और हींग डाल दिए हैं। जीरा चटकने लगे तो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर थोड़ा भूनेंगे। पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तेल में भून लेती हूँ, उसके बाद प्याज को भूनेंगे, क्योंकि प्याज को पहले डाल देने से प्याज तेल को सोख लेता है, जिससे अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से नहीं पक पाता और उसका कच्चापन रह जाता है। इसलिए यहाँ हम पहले अदरक लहसुन को भून लेते हैं, उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको हम पकाते रहेंगे। ऐसे प्याज को बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में जल जाएगा। प्याज का कलर अब चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। मसाले अब लगभग तैयार हैं, तो इसमें अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। साथ में हम नमक भी ऐड कर लेते हैं, जिससे नमक मसालों में अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। दोस्तों, ये सब्जियां मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत हेल्दी भी होती हैं। जिन लोगों को ब्लड की शिकायत हो, एनीमिया की शिकायत हो, वो लोहे की कढ़ाई में हरी साग सब्जियों को बनाकर खाएं। इससे सब्जियों में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये खून की मात्रा को बढ़ाता है। मसाले लगभग तैयार हैं। अभी इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे ढककर। मसाले लगभग अब तैयार हैं, तो इसमें हम पालक का पेस्ट डालेंगे। पालक विटामिन ए और आयरन से भरपूर होता है, इसका खूब सेवन करें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।
देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे जिससे हमारा ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए। ग्रेवी अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो इसमें अब हम पनीर डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। पालक पनीर बहुत ही हेल्थी रेसिपी है और टेस्टी भी है, आप इसे खूब बनाएं और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी बहुत ही अच्छी पालक पनीर बन के तैयार हुई है। इसे चावल रोटी पूड़ी के साथ खाएं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।